हो लगी जोहार। प्रूफ वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। निमन और मारिन प्रूफ वर्ल्ड चैनल नो एन परिसादन। आज मैं आप लोगों को एक जंगल सफारी में घुमाने वाला हूँ। यह एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है और पूरी तरह से मानव निर्मित है। यह रायपुर में स्थित है और रायपुर रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है। तोरमा कुड़खरो इदिन एरा और इंजॉय नाना। 800 एकड़ पर फैला यह जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सफारी है। इस सफारी में जाने के लिए बसें चलती हैं। नॉन एसी बस के लिए 200 रुपये, एसी बस के लिए 300 रुपये देने पड़ते हैं। 6 से 12 वर्ष के बच्चों को नॉन एसी बस में 50 रुपया और एसी बस में 100 रुपये लगते हैं। अगर आप कैमरे के शौकीन हैं तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क देना पड़ेगा। स्टिल कैमरा के लिए 100 रुपये और वीडियो कैमरा के लिए 500 रुपये देने होंगे। अगर आप कार से घूमने के लिए गए हैं, पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आपको 50 रुपये देना होगा। इस जंगल सफारी के क्षेत्रों को 4 भाग में बांटा गया है। शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी क्षेत्र, भालू सफारी, टाइगर सफारी और शेर सफारी। सफेद सफेद बाग के एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ 2 सफेद बाग दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सफेद बाग हैं, खूंखार दिखाई देते हैं। इस एरिया में एरिया के चारों ओर पिंजड़े के जैसा
आकृति बनी हुई है। सामने में एक शेड है, बारिश हो रही है जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा, अन्यथा इसका वीडियोग्राफी काफ़ी नज़दीक से किया जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइगर बाहर की ओर आ रहा है, काफ़ी करीब दीवार के नज़दीक। एक बाघ अंदर गया फिर निकल नहीं रहा है, एक ही बाघ जो है ना बार बार दर्शकों से बहुत प्यार है उसे, और वो बार बार करीब आते और फिर चले जाते हैं। ये सफ़ेद बाघ भुवनेश्वर में ये दिखाई देते हैं, वहाँ पे 4-5 बाघ हैं, उसके बाद ये रायपुर में भी उपलब्ध हैं। ये सफ़ेद बाघ इंडिया में करीब लुप्त प्राय है, बहुत कम दिखाई देते हैं, जंगलों में भी बहुत कम बचे हुए हैं। वर्तमान में टाइगर सफारी में 3-4 बाघ हैं और 2 सफ़ेद बाघ भी हैं। इन दोनों प्रकार के बाघ के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाया हुआ है। दो बड़े शेर एक जगह लेटे हुए हैं, काफी बड़े हैं, लगता है बुजुर्ग हो चुके हैं। एक शेड बनी हुई है, उसके ठीक नीचे 2 शेर दिखाई दे रहे हैं। Yeah.
इसके अलावे आपको इस जंगल सफारी में चीतल, सांभर, नील गाय, काला हिरन, सुनहला कलर का हिरन और जानवर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चार भालू भी हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 जानवर इस जंगल सफारी में है। सफारी का पूरा क्षेत्र 5 मीटर की ऊंचाई के जालीदार बाड़े से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति, बड़े तालाब और जल निकाय हैं। हर क्षेत्र में प्रवेश करते समय बड़े बड़े एक गेट हैं और उसमें प्रवेश करने से पहले एक बड़े बड़े दरवाजे हैं और उस गेट को देखने से ऐसा लगता है कि हम जुरासिक पार्क में घूम रहे हैं। और वहां अंदर जाने वाले हैं। जंगल सफारी के अंदर और बाहर में भी काफी वनस्पति है और 55,000 अतिरिक्त पौधे लगाए गए हैं। जंगल सफारी में आपको कछुए और सांप वगैरह भी देखने को मिलेंगे, पक्षियां मिलेंगे। एक अलग प्रकार का कछुआ मैंने देखा, बहुत ही सुंदर और स्टार, उसके पीठ पर स्टार बने हुए आकर्षक है, बहुत आकर्षक है। स्नेक भी आपको कई तरह के मिलेंगे।
एक बहुत बड़ी जलाशय है, वहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, मोटर बोटिंग। इसके लिए अलग से आपको टिकट खरीदने होंगे। आप सभी लोगों ने जंगल सफारी का खूब आनंद लिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो कुछ भी अपलोड करेंगे उसको आप देख पाएंगे, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हर वीडियो अपलोड की सूचना आप तक पहुंच सके। पुनः आप सभी को हो लगी जोहार।